बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ट्विटर छोड़ चुकी हैं। जी हाँ, ट्रोलर से परेशान होकर सोनम कपूर ने छोड़ दिया है ट्विटर। हाल ही में इनका कंगना से भी जबरदस्त विवाद हुआ है और कंगना ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। क्यों छोड़ा है सोनम ने ट्विटर, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बॉलीवुड के स्टाइल आइकन सोनम कपूर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटीज में से एक है। सोनम ट्विटर पर कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती है, लेकिन आमतौर पर ट्रोल होती है। जी हाँ, कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर लगातार बनी रहती हैं सोनम कपूर। लेकिन अब सोनम ने ट्विटर छोड़ने का फैसला ही ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम कपूर को कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इससे परेशान होकर सोनम ने ट्विटर को कुछ वक्त के लिए अलविदा कह दिया है और इसका खुलासा खुद उन्होंने ट्विटर पे ही इस पोस्ट के माध्यम से किया है। हालांकि उन्होंने कोई साफ वजह तो नहीं बताई है, लेकिन वजह साफ है कि वो नेगेटिविटी से परेशान है। और नेगेटिविटी का मतलब है ट्रोलर्स जो उन्हें लगातार ऊट पटांग बातें बोलते हैं। वो कहती हैं कि मैं कुछ वक्त तक ट्विटर से दूर जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, सभी को शांति और प्यार। हालांकि सोनम कपूर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहेंगी। आपको बता दें कि सोनम ने अपना अकाउंट डिलीट नहीं किया है, बल्कि वो इससे दूर है फिलहाल। लेकिन हाल ही में उनका कंगना से भी विवाद चल रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने विकास बहल वाले मामले पर, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला चल रहा है फैंटम फिल्म्स के, विकास फैंटम फिल्म्स जो बंद हो चुकी है, अब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस मामले पर उन्होंने कहा था कि विकास को सब घेरेंगे। लेकिन कंगना के मामले में उन्होंने कह दिया कि कंगना की बात पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि कंगना ने भी विकास पर आरोप लगाए हैं। अब कंगना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह दिया है कि मैं अपने दम पर हूं, अपनी मेरी पहचान मैंने खुद बनाई है, किसी के बाप की वजह से नहीं बनाई है। फिलहाल तो सोनम कपूर ट्विटर छोड़ चुकी हैं, ट्विटर से दूर जा चुकी हैं, नेगेटिविटी से परेशान हैं। ये विवाद बड़ा गरमाया हुआ है। #MeToo कैंपेन जो चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।